हे एवरीवन, दिस इज चीकू हेयर और आपके लिए लेके आया हूँ आज थार मॉडिफिकेशन के ऊपर वीडियो। ये जो थार है ये काफ़ी हाईली मॉडिफाइड है और अभी तो देखिए टेम्प्रेरी नंबर है। सीधा शोरूम से ये गाड़ी मॉडिफाई होने के लिए चली गई थी, अब जैसे ही आई है मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैंने रियर से इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि इसकी रियर की लुक बड़ी प्यारी है। उसका मेन रीज़न ये टेल लैम्प्स भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये टेल लैम्प्स बहुत अच्छे लगते हैं। जब ये अभी स्टार्ट करूंगा गाड़ी तो आप देखना इसमें जो ट्रांजिशन होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है। पीछे का लुक आप देख सकते हैं, पीछे इसमें अलॉय भी लगा हुआ है। ये अलॉय की अभी टायर प्रोफाइल मैं आपको दिखाता हूँ साइड में चल के। तो अभी मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना भाई अलॉय कैसे लगे। अलॉय इस गाड़ी के बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को तो पर्सनली। ये देखो भाई क्या प्यारे अलॉय हैं इसके। अभी आपको टायर प्रोफाइल की बात बताऊँ तो टायर प्रोफाइल है इसकी 275/55 R20। ये R20 आपके टायर होने वाले हैं और इसके ऊपर सिरेमिक कोटिंग हुई है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक कर रही है गाड़ी। तो अच्छी लग रही है वैसे देखने में तो असली में। ये देखिए आपको यहाँ से शॉट दिखाऊँ, ये इसका व्यू बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से और देख के ना मैं तो फ़ैन हो गया भाई इस गाड़ी का। अभी इसके साइड में स्कॉर्पियो खड़ी थी तो ये वाइट जो टायर है ना इनकी वजह से स्कॉर्पियो भी इसके आगे बहुत छोटी लग रही थी। ये इसके हेडलैम्प्स हैं और आगे जो ग्रिल है वो भी चेंज्ड है। और आगे का लुक आप बताइए मेरे को कैसा लग रहा है। मेरे को तो बहुत मैसिव सा लग रहा है, बड़ा चंकी सा। और आगे की जो ये है आपका गार्ड टाइप, इसमें भी इन्होंने पेंट करवा रखा है। आपने अगर थार देखी हो कभी तो थार के ऊपर वो रफ सा जो होता है वो हटवा के यहाँ पे इन्होंने शाइनी ब्लैक कलर करा दिया। देखिए यहाँ पर भी जो ये मड गार्ड्स हैं, मड गार्ड्स के ऊपर भी और जितनी भी गाड़ी की चारों ओर स्कर्टिंग है उन पर सबके ऊपर, मिरर के ऊपर सबके ऊपर इन्होंने शाइनी ब्लैक कलर करा दिया है। और ये इसकी साइड प्रोफाइल है गाड़ी की। और गाड़ी के अंदर चल के देखते हैं एक बारी। ये देखिए गाड़ी के अंदर खोल दीजिए, सबसे पहली चीज़ नोटिस कर पा रहा हूँ ये कार्बन फाइबर फिनिश करा रखी है डोर के यहाँ पे और अच्छी लग रही है ये भी देखने में। सबसे अच्छी चीज़ एक इसकी है, मैं आपको बताता हूँ अभी अंदर जाके। आई डंगल कर दें जी। अरे यार कैमरा थोड़ा सा गंदा दिखा रहा है पर अभी धूप बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से कैमरा अभी जस्टिस नहीं कर पा रहा, लेकिन कोशिश करता हूँ पूरा दिखाने की। एक्सपोजर सेट है यहाँ पे, देखिए इन्होंने ये सायरन लगवाया हुआ है और गाड़ी में नीचे भी पूरे में कार्बन फाइबर फिनिश हुई है यहाँ पर भी। और ये इन्होंने आर्मरेस्ट लगवाया है बाहर से ही, इसके अंदर थोड़ा स्टोरेज स्पेस आपको मिलेगा। क्वालिटी डिसेंट ही है इसकी तो, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। और मर्सिडीज़ वाले वेंट्स तो आपने देख ही लिए होंगे, इनके अंदर लाइट्स भी चलती है। और सबसे अच्छी चीज़ है ये भाई, इस बटन को दबाते ही ना आपका जो फ्यूल लिड है वो ओपन हो जाएगी। थार में आपको पता है कि भाई मैनुअली करनी पड़ती है, बड़ी दिक्कत वाली बात है। ये कंपनी ने पता नहीं क्या सोच के ये किया था लेकिन अब इसको सॉल्व कर दिया आफ्टर मार्केट वाले भैया ने। तो यही है अंदर की लुक इसकी, बाहर से देखो। और अभी आपको साइड में से दिखाता हूँ, दूसरी साइड से यहाँ से अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए इस साइड भी आपको सेम कार्बन फाइबर फिनिश मिलेगी जैसे ड्राइवर साइड पे थी। सीट कवर बताइए कैसे हैं आपको, पीछे की चीज़ दिखा। अरे खुल जा भाई, हाँ जी खुल गई। तो अभी पीछे देखिए, पीछे भी यही बर्फी स्टाइल वाली सीट कवर है और पीछे आर्मरेस्ट बनवाए हैं अलग से। यहाँ पर एक सॉकेट आपको दिया गया है अब चार्जिंग के लिए, यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं और सामान रखने के लिए भी स्टोरेज स्पेस बना दिया है। ये काफ़ी अच्छा लगा देखने में। बस यार थार में पीछे जाने के लिए ना भाई बड़ी दिक्कत है, एक आगे वाला बंदा तो परेशान होगा ही होगा। और आप कमेंट में बता दिया करो यार कैसी लग रही है ये वीडियो। वीडियो में अगर कोई दिक्कत लग रही है तो वो भी बता दो, वो भी सही कर देंगे अगली वीडियो में। और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छा व्यू मिले गाड़ी का, आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। मॉडिफिकेशन की कॉस्ट की बात करूँ अगर तो मॉडिफिकेशन की कॉस्ट लगभग 380,000 भाई बता रहे थे सब कुछ इंक्लूड करके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो बेसिकली आप अप्रोक्स 4 लाख रुपए मान के चलो इसकी कॉस्ट जो आई है सारी। और अभी तो गाड़ी सीधा शोरूम से ही घर पे आने की जगह पहले मॉडिफाई हुई है। ये टायर देखो, टायर जो निकल रहे हैं ना बॉडी से बाहर, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो आप भी बताइए भाई
कैसी है इसकी लुक। अगर लुक अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई, चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करो और हमारी फैमिली के साथ जुड़ो। थैंक यू। और अब थोड़े से शॉर्ट्स आप इंजॉय कीजिए। Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us.